और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया, जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ उस वक्त एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और उसी वक्त पथराव और फायरिंग की घटना हुई। घटना में शामिल 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से लोग नाराज थे। मुस्लिम समुदाय के लोग यतीम खाना की सद्भावना चौकी के पास बाजार बंद करा रहे थे, जब दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद पथराव हुआ। बवाल इसलिए भी हुआ क्योंकि जुमे की नमाज के दौरान ज्यादातर मस्जिदों में हुई तकरीरों में कहा गया कि वे मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मुस्लिम संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान भी किया। पुलिस ने किसी भी इलाके में लोगों को नमाज के बाद प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए। परेड चौराहा पर करीब 1000 लोग इकट्ठा हुए। बवाल शुरू होने के बाद स्थितियां तेजी से बेकाबू हुई। हालांकि करीब 4 घंटे तक चले उपद्रव के बाद स्थितियां काबू में आ गई। पुलिस ने 18 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। वहीं कानपुर उपद्रव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो कानपुर में हिंसा और हिंसा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एक तरफ पीएम मोदी 50 किलोमीटर दूर मौजूद थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उससे 50 किलोमीटर दूर इस तरह ये घटना हो रही थी, जहां पर पथराव किया गया, कई लोग घायल हुए, दो समुदायों में ये विवाद बताया जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा थी उन्होंने एक विवादित टिप्पणी कर दी थी और उस टिप्पणी के बाद ये पूरा विवाद जो है वो गहरा गया, क्योंकि पहले जो एक समुदाय है वो दुकान बंद कर रहा था, दुकानें बंद करवा था, तो दूसरे समुदाय ने इस पर विरोध जताया और इसको लेकर ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव हो गया। पथराव में दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, वहीं कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो मकान दुकान वहां पर थी उनमें भी नुकसान हुआ है, वहीं जो वाहन वहां पर खड़े हुए थे वो भी नुकसान के चपेट में आ गए हैं, यानी कि उनमें भी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ उस एरिया में अब पुलिस को पाबंद किया गया है, पुलिस वहां पर मौजूद है। स्थिति को नियंत्रण में लेने की पूरी कोशिश उस वक्त की गई थी, हालांकि क्या मुद्दा है, किस वजह से हुआ उस वक्त, इस पर ध्यान ना देकर ये सबसे जरूरी पुलिस ने समझा कि कैसे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां से थोड़ी दूरी पर, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी पर ही पीएम मोदी मौजूद, राष्ट्रपति मौजूद, राज्यपाल मौजूद, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद, तो ऐसे में स्थिति को कंट्रोल करना और भी बहुत ज्यादा जरूरी पुलिस के लिए था। और हमारे साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला यूपी न्यूज एडिटर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए अभी स्थिति काबू में है, हालांकि पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में तैनात कर दिया गया है, लेकिन आज जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए, बड़े गंभीर किस्म के सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये कोई सामान्य मौका नहीं था। ये मौका था कि जब इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों उस शहर में मौजूद हो, उसके बाद इतनी बड़ी हिंसा वहां पर घटना, ये निश्चित तौर से बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। और ये माना जा रहा है कि ये हिंसा सामान्य तरीके से हिंसा नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ी सुनियोजित साजिश काम कर रही थी और यही वजह है कि सख्ती जरूर की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि जो भी आरोपी है उन पर गैंगस्टर लगेगा, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। और निश्चित तौर से अभी तक 1.5 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आरोपियों पर जो भी इसमें पकड़े गए हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जो पूरा ये इलाका है बेकनगंज और इसके आसपास का इलाका, यहाँ तनाव अभी भी बना हुआ है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि पुलिस की बड़ी तादाद में तैनाती हो चुकी है और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कई सारे जो वीडियो फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। और ये सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से सीधे तौर से कहा गया है कि शांति बनाए रखने के साथ साथ जो लोग भी इस हिंसा में शामिल रहे हैं, उनके पीछे जो भी मास्टरमाइंड रहे हैं
उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल आज का दिन कानपुर में जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद एक बड़ी हिंसा के तौर पर ये मामला सामने आया और ऐसे वक्त पर जब कानपुर शहर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मौजूद थे, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में एक सरकारी अमले पर और कानपुर के जो जिला पुलिस प्रशासन है इस पर बड़ा सवालिया निशान। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।